2015 वो 15 वाला सीजन था जब हम बार्सिलोना जो है वो चैंपियंस लीग जीती थी तो छः सात साल गुजर चुके हैं भाई बचपन गुजर गया ये सवाल पूछते पूछते अपना कि क्या बारसा बायन को बीट कर सकती है या नहीं और वही सवाल है आज भी क्योंकि हमने बीट नहीं किया पिछले सीजन भी दो दफा हारे इस सीजन एक दफा हारे हम फिर ए टू हुआ ठीक है उससे पहले जैसे मैंने कहा था कि बार्सिलोना जीती थी जब वो चैंपियंस लीग जीती थी उससे पहले सेवन अप हुआ तो एक राइवल रही है टू बी वेरी ऑनेस्ट जिसके अंदर बाइन ने डोमिनेट किया हुआ है बाशाह को हर मामले में गोल स्कोरिंग स्टैट्स गोल कंसीडर हर चीज के अंदर बाइन ने बादशाह को डोमिनेट किया है इसलिए ये क्वेश्चन यही बनता है जो कि हम हर बार इस मैच से पहले पूछते हैं कि क्या बादशाह बाइन को पीट कर सकती है या नहीं कर सकती इसका आंसर सिंपल है के कर सकती है ठीक है अगर हम फर्स्ट को देखें तो क्या वो एक अच्छा ब्लू प्रिंट है फर्स्ट लेग का मतलब है कि जो अवे हमने खेला था ग्रुप स्टेजेस के अंदर जो बारसा हार गई थी टू जीरो क्या वो अच्छा ब्लू प्रिंट है जी बिल्कुल बहुत अच्छा ब्लू प्रिंट है बारसा ने बहुत अच्छा खेला बट बारसा को अपने अपने आप को ही ब्लेम हम को करना चाहिए क्योंकि लेकिन जैसे ही गेम में वापस आई उनको चांसेस मिले तो उन्होंने गेम को किल ऑफ कर दिया जो कि हम नहीं कर सके ऑब्वियसली कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था डेम मिलेगा बट दैट डिज नॉट चेंज फिनिशिंग में अच्छे नहीं थे अगर वो हमारी फेवर में चला जाता हो सकता है मोमेंटम चेंज हो जाता लेकिन

उस गेम में हम कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे थे फुल टीम के साथ फुल स्ट्रेंथ के साथ जा रहे थे ठीक है। इस गेम में हम अंडर प्रेशर जा रहे हैं होम के ऊपर है, है ये पॉजिटिव बारसा के लिए कि होम सपोर्ट रहेगी ठीक है लेकिन हम इस गेम में प्रेशर में जा रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि ये गेम ज्यादा टफ है बार्सलोना के लिए क्योंकि बारसा आर ऑन द वर्ज ऑफ एन एग्जिट

इंटर को अपने दोनों गेम्स में जो कि उन्होंने अब कल प्लेजेंट के अगेंस्ट खेलना है और फिर बाद में बांके के अगेंस्ट गेना दोनों मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप करने दोनों में इस ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो एक हार भी जाएं और दूसरा जीत जाएं तो फिर भी भाषा फिर भी भाषा का चांस नहीं है बिकॉज गाइज मैं बार बार मैंशन दोबारा कर दूं कि इधर गोल्ड डिफरेंस काउंट नहीं होता इधर पहले हेड टू हेड काउंट होगा जिसके अंदर इंटर वर्सेस बारसा में इंटर बारसा से आके गया बिकॉज उन्होंने होम के ऊपर ड्रॉ किया था और होम के ऊपर जीते थे और अवे उन्होंने ड्रॉ किया था इंटर ने तो बारसा को होप करनी है कि प्लेजेंट ड्रॉ कर रहे और बायन भी ड्रॉ करे ये मिनिमम क्राइटेरिया बारसा के और बारसा दोनों मैचेस जीते ठीक है बायन का भी और आखिरी जो बारसा का मैच है चैंपियंस लीग का प्लेजन के अगेंस्ट वो भी बारसा जीते तो ये सनेरियो है बारसा का एंड बारसा

बारसा की अप्रोच क्या होनी चाहिए लाइनअप क्या होनी चाहिए आई नो बारसा इंटर और प्लेजन का मैच जो है वो थोड़े से टाइम पहले है वट आई वॉन्ट फ्रॉम बारसा ठीक है सबसे पहले तो मैं ये एक लाइन बोल दूं कि आई वॉन्ट बारसा टू विन अगेंस्ट बाइन ठीक है बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ठीक है उसके उसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता आई वॉन्ट बारसा टू विन अगेंस्ट बाइन

फोर्टी फाइव मिनट फर्स्ट हाफ होंगे बादशाह के पास देखने के लिए कि क्या सिचुएशन चल रही है गेम उससे आपको मोटिवेशन भी आ सकती है और उसका उससे आपका मोरल डाउन भी हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि इंटरप्लेजन को पहले हाफ में ही फिनिश कर दे अब वट आई वॉन्ट आई वॉन्ट बारसा अपनी फुल टीम के साथ जाए जिसके अंदर लेमनडॉस्की खेले डेम्बे खेलें जो भी प्रॉपर मिडफील्ड है जो भी प्रेफर्ड मिडफील्ड है वो बारसा खिलाए बट व्हाट आई डोंट वांट कि अगर इंटर बिल्कुल डोमिनेट कर रही है और बिल्कुल ही पहले हाफ में जैसे हमने एथलेटिक क्लब का मैच पहले हाफ में किल ऑफ कर दिया था और उसके बाद बारसा जाती है इस गेम में तो आई डोंट वॉन्ट के इमोशंस आपका आपके ऊपर हावी हो जाएं कि यार बाइन का गेम है बाइन को हराना ऑब्सेशन वो एक बन गया आई डोंट वॉन्ट दैट अगर आपको लग रहा है कि इंटर वन साइडेड चला गया में तो मैं बस ये चाहता हूं कि आप क्रिस्टनसन अगर वो फुली मैच फिट नहीं है तो उसको आप रिस्क मत लें अगर वो फुली मैच फिट है आप खिलाएं ठीक है विल थिंक अबाउट केम आफ्टरवर्ड्स अगर कुंड़े के रिलैप्सेस के चांसेस हैं और अभी भी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसके रिलैप्स के चांसेस हैं उस केस के अंदर कि अगर इंटर कंप्लीटली डोमिनेट कर जाती है को, तो, तो यूरोपा में तो आप वैसे भी चले जाएंगे वो कोई नहीं है यूरोपा के अंदर आप चले जाएंगे ऐसा नहीं है कि आप यूरोपा भी मिस कर जाएंगे वो नहीं है इशू प्लेजन कुछ नहीं करने वाली उस, उस के अंदर बट आई जस्ट डोंट वांट बार्सिलोना कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस गेम वो हमारे इमोशंस हाई हैं और हम मतलब दुखी हैं ठीक है, है? दुख चल रहा है कि आप अपने सारे वो प्लेयर्स खिला दें जिनके रिस्क हैं इंजरी के इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि गाइस रोबर्टो इंजर्ड हो चुके हैं अराहो अवेलेबल नहीं है राइट बैक पोजीशन पूरी खुली है अब बेलेरिन की सिर्फ ऑप्शन है राइट साइड के ऊपर जस्ट इमेजन जस्ट इमेजन अगर आप रश करते हैं इतनी हाई इंटेंसिटी गेम के अंदर और किसान सन या कुे में से कोई इंजर्ड हो जाता है तो फिर आपका सीजन बाकी कैसे आप पूरा करेंगे ये सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन है और ये मेरा कंसर्न है और आई पर्सनली थिंक के स्लिप चांसेस है

प्लेसन को डोमिनेट करें इंटर लेकिन अगर आपको जरा सा भी स्निफ निगरी हो कि क्या प्लेसन जो है वो जीरो जीरो चल रहा है ठीक है हाफ टाइम के ऊपर देन टेक द रिस्क ठीक है आप कुंडे को भी खिलाएं आप क्रिस्टनसन को भी खिलाएं मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली आई वांट बारसा इट इज अ फेलियर आई वॉन्ट बार्सलोना टू बी इन द चैंपियन लीग चैंपियंस लीग नॉकआउट राइट अगर आपके पास जरा सा भी चांस है ठीक है लेकिन अगर आपके पास कोई चांस नहीं है तो फिर मैं नहीं चाहता कि आप अनड्यू रिस्क लें ठीक है तो ये मैंने आपको चीज एक्सप्लेन कर ली अब आप गेम की बात कर लेते हैं बाइन की गेम के क्या है अब आपके पास क्यों बारसा ही जीत सकती है गेम क्योंकि बारसा के पास अपॉर्चुनिटी है यहां पर बाइन को हराने क्योंकि नॉयर नहीं है साने नहीं है और आ, नहीं है सानी नहीं है लूकस हंड्रैंड जिन्होंने गोल स्कोर किया था एटर पिछले गेम में आ, आ, हो, आ, हो, आ, होम के ऊपर बारसा के गेंस वो भी नहीं है तो एक और एक और मोटिवेशन है बारसा के पास के उनके प्लेयर्स अनवेलेबल है और काफी की प्लेयर्स इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अन अवेलेबल हैं तो बारसा का चांस है अब कहा टीम होगी आई थिंक उनके कीपर होंगे डिलेक्ट और ऊपर मकानो होंगे पाउड रहेंगे राइट साइड के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर डेवीज रहेंगे गुरेज का

क्योंकि आपको काउंटर करना है डेविस को वहां पे और अगर गनाबरी भी वहां पे खेल रहे होंगे तो आपको उसको भी डबल काउंटर करना है तो एरिक क्रिस्टनसन कुंटे वही पोजीशन में कुंडे खेलेंगे राइट सेंटर राइट सेंटर बैक बैक पोजीशन में नहीं होगा जिसमें नॉर्मली खेल रहे थे वो सीजन के स्टार्ट में जब कुंडे अराहू भी होते थे और लेफ्ट साइड के ऊपर आई वॉन्ट पाले टू स्टार्ट नॉट ऑनल सो ये मैं अपनी बता देता हूँ फ्रेंकीडियम का मिड फील्ड फ्रेंकी एज अ एम लेफ्ट साइड के ऊपर आई वॉन्ट आंसू फाटी, आई राइट साइड के ऊपर आई डेम्बले क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड यू वॉन्ट टू कंटिन्यू विद और अब फ्रंट लेमन की फाटी इसलिए क्योंकि आई वॉन्ट प्योर विथ राइट मैं एथलेटिक क्लब का मैच जो है वो एज अ ब्लू प्रिंट नहीं लूंगा क्योंकि बाइन जो है वो दोनों फ्लैंक से आपको अटैक करेगी और आपको भी काउंटर करना है उनको दोनों फ्लैंक से और आपको एक प्योर विंगर पेसी विंगर चाहिए मिड नहीं चाहिए पेडरी लेफ्ट साइड के ऊपर जैसे वो एथलेटिक क्लब की गेम में खेल रहे थे क्योंकि बाइन हाई लाइन खेलती है और आपको मिलेंगे

कि बाल्डे अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी पिछले उसने मैच में वर्ल्ड क्लास ऑफेंसिव तो दिखाया ही उसने पिछले मैच में निको विलियम्स के अगेंस्ट डिफेंसिव परफॉर्मेंस भी दिखाई तो अगर आप उसको बेंच कर देते हो तो फिर आप उसका कॉन्फिडेंस हेटर कर रहे हो और दुनिया का कोई आजकल जो प्रोग्रेसिव क्लब है वो यंगस्टर परफॉर्म करता है तो उसको मैक्सिमम कॉन्फिडेंस देते हैं अब डेविस ए टू की गेम के बाद डेविस बना था उससे पहले भी परफॉर्मेंस दे रहा होगा लेकिन जब वो ए2 की गेम में उसने परफॉर्म किया अगेंस्ट बार्सिलोना उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा वो हमेशा प्रोग्रेस करता गया दिस इज हाउ यू मेक बिग प्लेयर सो आई वांट बाल्डे आई डोंट वांट अलोंसो टू स्टार्ट इन दैट लेफ्ट बैक पोजीशन लेफ्ट विंग बैक या जो भी पोजीशन है ठीक है लेफ्ट साइड के ऊपर तो बाल्डे लेकिन चांसेस हैं कि अलोंसो स्टार्ट करे एज पर रिपोर्ट्स ठीक है चांसेस ये भी हैं कि हम कुंडे के साथ और लॉन्सो के साथ भी सेंटर बैक जा सकते हैं चांसेस ये भी हैं कि कुंडे और हैरी गैस पर रिपोर्ट्स के साथ जा सकते हैं और राइट साइड पे बैलेंगे लेकिन मैंने आपको अपनी प्रेफर बैकलाइन अभी थोड़ी देर पहले बता दी एज पर रिपोर्ट्स बादशाह फिर सोच रही है चावी फिर सोच रहे हैं कि डबल पेविट में जाएके और फ्रेंकी डियोंग के और राइट साइड के ऊपर मिडफील्ड में गावी खेलें और पेड्री वही एक इनवर्टेड विंकर स्लैश मिडफील्डर खेलें जो कि थर्टी क्लब जो चार मिडफील्डर्स के साथ एज पर रिपोर्ट्स हम जाने का सोच रहे हैं मैं इस बात से एग्री पर्सनली नहीं करता आई थिंक हमें अपोजिशन के हिसाब से आ, 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 वर्क की थी डबल पेबेड वर्क किया था ठीक है टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छी तरीके से वर्क किया था और आपको ये देखने को मिल सकती है बट आई वांट जैसे मैंने आपको रीजन दी कि आई वांट अ प्रॉपर विंगर ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि जो डेम्पले राइट right साइड के ऊपर कर रहे थे वो आंसू फाटी भी लेफ्ट साइड के ऊपर कर सकते हैं बिकॉज एथलेटिक क्लब भी हाई लाइन खेल रहा था और बाइन भी हाई लाइन खेलेगी लेकिन बाइन के पास ज्यादा एबिलिटी है और जो मैंने आपको पिछले रिव्यू के अंदर भी मैंशन किया था कि तो बादशा की लेफ्ट साइड के ऊपर बादशाह को पुश कर सकता था कि आप गेम वहां से बनाओ और टेम्पले और रोबोटो की साइड ब्लॉक कर सकता तो क्योंकि सबसे ज्यादा डेंजरस साइड वही थी ठीक है लेकिन आप पाइन से एक्सपेक्ट करें कि वो बेहतर डिफेंड करेंगे टेम्पले को और सोची रोबोटो को और वो बेहतर डिफेंड करेंगे और वो ऑफेंसिवली भी उस साइड पे बेहतर दिखेंगे जहां पे डेवीज खेल रहे होंगे या फिर गनापरी खेल रहे होंगे या माने खेल रहे होंगे तो वो आपको स्ट्रेच करेंगे तो इतनी आसानी से आपको अटैक करने नहीं देंगे उस राइट साइड के ऊपर बासा की राइट साइड के ऊपर इसलिए आपको एक आउटलेट चाहिए लेफ्ट साइड के ऊपर भी जो कि फाटी की फॉर्म के अंदर आपको मिलेगा जो कि एक नेचुरल विथ प्रोवाइड करेगा और जब चूंकि हाई लाइन खेलेगी तो यू नीड पेस यू नीड कंपोजर यू नीड प्लेयर्स हु कैन रन बिहाइंड द डिफेंस एंड दैट इज

प्रेफर्ड लाइनअप है लेकिन एज पर रिपोर्ट जो लाइनअप है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया बारसा को क्या करना है बारसा को वही करना है जो उन्होंने पिछले गेम में किया था मिडफील्ड जब तक मिडफील्ड में कंट्रोल रहेगा बारसा का गुरुएसका के आने के बाद डिसरप्ट किया था उन्होंने बारसा को उससे पहले बारसा का कंट्रोल मिडफील्ड में बेहतरीन था तो बादशाह अगर जब तक मिडफील्ड को कंट्रोल करती रहेगी हमारी बैकलाइन भी फंक्शन करती रहेगी हमारी फ्रंट लाइन भी फंक्शन करती रहेगी जहां पे हम मिडफील्ड में स्ट्रगल करेंगे ये एक रीजन हो सकती है कि क्यों चावी सोच रहा है कि चार मिडफील्डर्स खिलाने को तो आप हो सकता है कि आप मिडफील्ड को कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन एक फ्लैंक आपका मुझे ऐसा फील होता है कि एक फ्लैंक आपका ज़ाया हो जाएगा लेफ्ट साइड के ऊपर और अगर बाइन ने आपको राइट साइड से ब्लॉक कर दिया जो कि डिम्बले की साइड है और दे विल मैन आपको बता रहा हूँ लेफ्ट साइड के ऊपर बाइन की लेफ्ट साइड के ऊपर और वो डिफेंसिवली भी बेटर रहेंगे एथलेटिक क्लब से तो अगर उन्होंने डेम्पले को ब्लॉक कर दिया वहां राइट साइड right के ऊपर तो फिर आपका आउटलेट नहीं रहेगा लेफ्ट साइड के ऊपर कोई तो दिस इज आई वाई आई थिंक आई वॉन्ट नेचुरल विंगर जैसे मैं बारे बार एक्सप्लेन कर रहा हूं इस चीज को तो बादशाह के लिए जरूरी है भाई कि वो मिडफील्ड के अंदर कंट्रोल रखें गेम के अंदर कंट्रोल रखें ट गेम होने वाली है इजी गेम नहीं होने वाली मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जब भी हम बाइन के अगेंस्ट जाते हैं तो लोग समझते हैं कि ये इजी गेम होने वाली है या फिर हम हम डोमिनेट कर सकते हैं ऑब्वियसली बारसा कैन डोमिनेट राइट लेकिन बाइन इज अ वेरी डिफिकल्ट टीम और वो उन्होंने कोई गलतियां नहीं की दे बिल्ड देयर स्क्वाड राइट बारसा के पास अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि बाइन के की प्लेयर्स इंजर्ड हैं लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट गेम प्रोडिक्शन क्या आई थिंक आई एम गोइंग फॉर अ आई वॉन्ट पार्सा टू विन इट वुड बी अ ग्रेट विक्टी और बहुत मुझे खुशी होगी बट आई एम गोइंग फॉर ड्रा इन दिस गेम बिकॉज आई एम नॉट कॉन्फिडेंट और मुझे अभी क्रिस्टनसन का पता नहीं है कि हमारी बैकलाइन क्या होगी अगर लॉन्सो खेलते हैं एरिंग खेलते हैं कुंडे खेलते हैं और बेलरिन खेलते हैं आई एम नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल विद आवर बैकलाइन अगर ये प्लेयर ये स्टार्ट करते हैं तो आई एम स्टिल जिटरी बट आई थिंक ड्रा आई एम गोइंग फॉर अ ड्रॉ इन दिस गेम आप लोग बताएं आपका क्या ओपिनियन है क्या लाइनअप है कैसे बीट कर सकती है क्या कर सकती है या नहीं कर सकती पाइन को ये क्वेश्चन है इस वीडियो का मेन तो बताएं कमेंट सेक्शन में यार अपना ओपिनियन अपनी प्रोडिक्शन और देखते हैं क्या होता है यार बिग गेम टुमारो रियली एक्साइटेड आई होप के कोई चांस बनाए प्लेजेंट लेकिन नहीं भी बनाए तो पार्सा को गेम खेलना चाहिए जो भी प्लेयर्स खेलें ठीक है जैसे मैंने कहा कि रिस्क नहीं लेना लेकिन जो भी प्लेयर्स खेले उनको अपनी पूरी एफर्ट देनी है दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम बार्सिलोना फ्रॉम ऑल द प्लेयर्स कि एफर्ट दो जैसे पिछली गेम से पहले कहा था कि यार इंटेंसिटी दिखनी चाहिए वी शुड बी एबल टू कम्पीट वी हैव अ बेटर स्क्वाड वी हैव अ बेटर टीम देन लास्ट ईयर तो दिखना चाहिए और पिछले गेम में दिखा इस गेम में भी दिखना चाहिए होपफुली रिजल्ट फिनिशिंग ठीक रहती है बार्सिलोना की और कैंपनू एक बहुत बड़ा फैक्टर है आई एम होपिंग फॉर अ गुड रिजल्ट फॉर बार्सिलोना गाइस गिव योर ओपिनियन द कमेंट सेक्शन लाइक सब्सक्राइब शेयर Keep enjoying football. Until next time, it's a goodbye from me.